हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। एमआरएसई टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ अफजल आलम। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कूलिंग टावर। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, कूलिंग टावर के बारे में आज हम जानेंगे कि कूलिंग टावर का क्या काम है, कैसे काम करता है। और ये हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि कूलिंग टावर डायरेक्ट ऑन दी स्पॉट ले जा करके। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, पहले आप थ्योरी से कूलिंग टावर के बारे में जान लीजिए कि कूलिंग टावर का क्या काम है, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है और कितने तरह के होते हैं कूलिंग टावर। ठीक है, तो नॉर्मली आप कहीं पे भी जाएंगे, अगर फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए या अदरवाइज आप किसी कंपनी में जॉब के लिए, कहीं पे भी इंडिया से बाहर या इंडिया में या जिस भी कंट्री से आप हैं, तो आपको पूछ सकता है कि कूलिंग टावर का काम क्या है, कूलिंग टावर क्या काम करता है। तो आपको सीधा बोलना है कि कंडेंसर से आ रहे गर्म पानी को ठंडा करता है वो, और ये प्रक्रिया को वो लगातार करते रहता है। तो सेकंड आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ कूलिंग टावर, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। ओके, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर दो तरह के होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा कूलिंग टावर होता है? नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। सेकेंड आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ये दो हो गए। ठीक है, तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आपका जो है ये मोस्टली अभी यूज नहीं होता है। ये ज्यादातर जो है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस और बहुत ज्यादा एरिया लेता था, इसके लेकर के ये इसको यूज नहीं हो रहा। बहुत पहले यूज था ये, मैंने एक जगह देखा था टाटा में, टाटा में नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, तो बहुत लॉन्ग स्पेस में, क्योंकि इसमें दूसरा मैकेनिकल कोई सिस्टम नहीं लगाया रहता है, इसके लेकर के अपना इसको अभी यूज नहीं करता है आपने। आपका मोस्टली यूज होगा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में भी दो आते हैं, इसमें भी दो तरह के आते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट में। फर्स्ट आता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, सेकेंड फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, ये दो तरह के हो गए, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ये मैकेनिकल में आते हैं। ये आपको मोस्टली ये दोनों यूज आपको मिलेंगे करने के लिए, ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम जानेंगे ये दोनों के बारे में कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं। सिंपली आपसे कोई पूछ देगा कि आप फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे आप जानेंगे? तो फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है कि अभी आप देखिए, चलिए आपको मैं फिगर बना देता हूँ। अभी आपने देखा कि ये कूलिंग टावर का एक स्ट्रक्चर है, ये आप मान लीजिए, मतलब फरिश्ते नहीं बना। अभी हम आपको सामने वीडियो लेकर के जाएंगे कूलिंग टावर के पास, हमारा साइड का जो कूलिंग टावर है वो आपको हम दिखाएंगे, टेरिस पे लगा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा टाइम में लेकर के आपको जाएंगे ऊपर में, और पंप लाइन, कंडेंसर पंप, ऑल कूलिंग टावर में जो जो फिन्स है, फ्लड वाल्व है, नोजल है, ठीक है, तो वो सब चीज़ आपको हम दिखाएंगे, फैन ब्लेड वगैरह टोटल दिखाएंगे, किस तरह से ढांचा स्ट्रक्चर रहता है। फिलहाल आप थ्योरी में समझिए। तो आपका यहाँ पे ऊपर में फैन लगा रहेगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का पहचान क्या है? फिर इधर से पानी आता है, कंडेंसर से निकल करके पानी इधर आता है, तो स्प्रे के जरिए, नोजल स्प्रे के जरिए, इसके अंदर टोटल पानी आता है, नीचे सम्प वाटर कहा जाता है, ये इधर में ठंडा पानी जमा होता है, ये सम्प वाटर हो गया। ठीक है, इधर में फिन्स लगा रहता है, बीच में फिन्स लगा रहेगा, कहीं पे फिन्स लगा रहेगा। और ये क्या है कि जब फैन जब घूमता है, तो घूमने के बाद जो है ये पानी को हवा में ले करके
ऊपर जाता है तो ये पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, और ये नीचे ठंडा पानी जमा होता है, फिर यहाँ से निकलता है तो ये फिर वापस कंडेंसर में जाता है, ये जो लाइन है यहाँ पे निकला, फिर यहाँ पर वाई स्टैंडर रहता है, ये भी जाने आप, यहाँ पर वाई स्टैंडर, फिर यहाँ पर एक बल्ब रहेगा, यहाँ पे एक बल्ब रहेगा, वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये हो गया दूसरा, इसमें इंडस्ट्रियल वाटर, वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल वाटर हो गया, ठीक है, इसके अंदर फ्लोट वाल लगा करके इसको ऐड किया रहता है, पानी जब घटेगा, अभी क्या है कि हमारा चालू होएगा, जब फैन चलेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है बाहर जाता है तो कम होता है, डाउन होता है, तो उसको लेवल में करने के लिए इंडस्ट्रियल वाटर चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट को आसान तरीका, कि इसका फैन ऊपर में लगा रहेगा और फोर्स ड्राफ्ट जो रहेगा सेम फोर्स ड्राफ्ट के भी अगर यही डिजाइन रहेगा तो सेम यहाँ पे उसका मोटर लगा रहेगा, ये मोटर जो है ये फोर्सली यहाँ से प्रेशर से ये ऊपर के जरिए हवा को निकालता है, तो फोर्स ये भी कम मिलता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी का मोटर लगाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा फोर्सली इसको ऊपर फेंकना है, ये ज्यादातर मिल जाएगा, एरिया भी कम चाहिए, सब कुछ कम रहता है, कॉस्ट भी कम पड़ता है, इसके लेकर के मेंटेनेंस भी कम है, इसलिए ये जो है अपना ज्यादा यूज ये होता है, और ये भी बहुत कम यूज आपको मिलेगा। तो अभी हम आपको चलिए कूलिंग टावर के पास लेके जाते हैं और आपको हम दिखाते हैं टोटल प्रोसेस, उसमें हम आपको बताएंगे। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा जो है कूलिंग टावर का जो आउट हुआ पानी ठंडा होकर के सब बटन के जरिए, देखिए यहाँ पंप का सक्शन लाइन में आया, ठीक है, ये बटरफ्लाई बल्ब है या फिर ये बायसिंग प्रोजेक्ट करने के दोनों बटन से लगाया हुआ है, ठीक है, मेरे के लिए ये पंप जो है है, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है हमारा। इसमें क्या है, देखिए कंडेंसर से जो पानी आ रहा है, ये इसमें आकर के स्प्रे हो रहा है आपका, ये कूलिंग टावर में फिन्स के जरिए पूरा थोड़ा थोड़ा पानी आते हुए और फैन ऊपर से चढ़ेगा तो पानी स्प्रे होता है, ये हमारा कंडेंसर का आउट है। अभी उसके बाद कूलिंग टावर से इसके नीचे से देखिए, आप देख सकते हैं इसके यहाँ नीचे से पानी आउट कर रहा है, ये सम क्वार्टर है ना, यहाँ पे देखिए पानी ठंडा जमा हो गया है, ये आउट कर रहा है, अभी ये आउट कर करके सीधे कंडेंसर पंप में जाएगा, कंडेंसर का पंप में जाएगा, फिर वहां से पंप के जरिए कंडेंसर में भेजा जाएगा, ये हमारा आउट कर रहा है। अभी इसमें देखिए कुछ बल्ब लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा एक अपना ग्लोब बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद इधर आगे निकले तो यहाँ पर स्टेनर है, स्टेनर के बाद में इधर में गेट बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये दो, ये आप सर्विस करने का टाइम इसको जो है बंद करके सर्विस किया जाता है, इसको बंद करके यहाँ स्टेनर खोल करके आप सर्विस करेंगे, तभी एक वीडियो हम पूरा कंडेंसर यदि कूलिंग टावर का सर्विस का एक वीडियो हम बनाएंगे तो अभी आपको मालूम चल जाएगा कैसे सर्विस किया जाता है, लेकिन फिलहाल आप जानिए कि कौन सा कूलिंग टावर का क्या बोलते हैं, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, ये हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। चलिए इसके अंदर का हम पार्ट्स दिखाते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर डिवाइस लगाए हुए हैं, अभी आइए हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको ढक्कन को खोला, यहाँ पे हमारे साथ एक और दोस्त हैं टेक्नीशियन,
और देखिए यहाँ पे खोलने के बाद ये ढक्कन बंद किया हुआ था, ये अंदर का देखिए पार्ट से ऊपर में देखिए फैन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये शाफ्ट के जरिए जो है ये मोटर को कनेक्ट किया गया है, मोटर उधर उसका बाहर साइड में उस साइड में है, ठीक है। ये हमारा फैन है, ये हमारा देखिए सम्प वाटर है, ठीक है, ये ओवरफ्लो का है। ये सम्प वाटर में देखिए ये फिन्स है टोटल, इसके अंदर स्प्रे होता है, तो ये अंदर का कंडीशन रहता है। ये देखिए पानी का लाइन है, ये आपका इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई है, घटने के बाद जो है पानी इसमें इसमें जैसे आप इसको ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो देखिए पानी पानी आना इसके अंदर स्टार्ट हो गया। जैसे ही डाउन होगा पानी का लेवल, ये पानी आने लगा, तो ये फ्लोट वाल्व के जरिए ये कनेक्टेड है। तो ये था हमारा कूलिंग टावर का टोटल प्रोसेस। तो अभी आपने देख, हेलो दोस्तों, तो जैसा आपको अभी मालूम हो गया होगा कि कूलिंग टावर के बारे में आपको बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा, इंजन ड्राफ्ट फोर्स ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, और अभी देखा आपने इसका पूरा प्रोसेस देख लिया। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, कि अपना ख्याल रखें। ओके।